हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन अपॉन लॉग एबीसी बेस ए, वन अपॉन लॉग एबीसी बेस बी, वन अपॉन लॉग एबीसी बेस सी को वन इक्वल प्रूव करना है। इसमें भी बेस चेन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ए अपॉन एबीसी, लॉग एबीसी प्लस लॉग b अपॉन लॉग एबीसी प्लस लॉग c अपॉन लॉग एबीसी। ऐसे हम ले लेंगे लॉग ए बी सी, ये क्या आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, सॉरी प्लस में है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे इनको लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास वन इज इक्वल्स टू वन विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस डी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों एक साथ लेके चलेंगे, तो क्या आएगा हमारा बेस चेंज करेंगे लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग डी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन लॉग डी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे अपॉन में था इसलिए इस वाले को ऊपर लिखा था और बीच वाले को नीचे, इसमें अपॉन में नहीं है इसलिए ये ऊपर आएगा और बेस वाला नीचे आएगा। अब देखते हैं क्या इसमें कट रहा है, तो लॉग बी से लॉग बी कट रहा है, लॉग सी से लॉग सी कट रहा है और क्या बचा हमारे पास लॉग ए अपॉन लॉग डी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन लॉग डी, एलएचएस इज इक्वल्स टू आर।